जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, क्या इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप में से कोई भी लॉटरी का टिकट खरीदकर बड़ा इनाम जीतना चाहता है? या आप में से कोई ऐसा है जो इस दीपावली पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है? या आप में से कोई मेरा ऐसा व्यापारी भाई बंधु है जो कि दीपावली के इस सीजन पर बहुत उम्मीदों से देख रहा है, क्योंकि ये उसकी सेल्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट समय है? तो मैं स्वामी राजर्षि अब आपको बता रहा हूं कि आपको कौन से दिन लॉटरी का टिकट खरीदना चाहिए। मैं स्वामी राजर्षि अब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से दिन आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अपने व्यापारी भाई बंधुओं को बताऊंगा कि भाग्य का कितना साथ उन्हें इस दीपावली के सीजन पर मिल रहा है और कितना मुनाफा कमाने की उनकी इस सीजन में संभावना है। आइए भक्तगणों, इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी को दीपावली के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबकी धन की तिजोरियों में निवास करके आपको हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद अपने दोनों हाथों से खोल कर दें। इस वीडियो के अंदर मैं दीपावली के जो 5 त्योहार हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, किस दिन आपको कितना भाग्य का साथ मिलेगा, और जितना ज्यादा भाग्य का साथ मिलेगा उतना ही मुनाफा कमाने की संभावना है, उतना ही लॉटरी जीतने की संभावना है, उतना ही शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं हैं। चलिए दर्शकों, सबसे पहले मैं मेष राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहता हूं। अब यहां मेष राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए मैं 3 प्रमुख ग्रहों पर दृष्टि डालना चाहता हूं या उनका कंसिडरेशन लेना चाहता हूं। एक तो हो गए राशि स्वामी मंगल, दूसरे हो गए हमारे सूर्य देवता जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, और एक हमारे हैं बृहस्पति देवता क्योंकि वो नवम भाव या भाग्य भाव के स्वामी हैं। जो मेरा सबसे ज्यादा फोकस है वो पंचम भाव के स्वामी पर है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी ही लॉटरी जीतने की संभावना बताता है और शेयर मार्केट में मुनाफा होने की संभावना बताता है। तो आइए इसके आधार पर देखते हैं कुंडली में इनकी क्या पोजिशन है दीपावली के दौरान। तो बृहस्पति देवता मेष राशि में प्रथम भाव के अंदर विराजमान है, सूर्य और मंगल सप्तम भाव तुला राशि के अंदर विराजमान है। आइए अब नजर डालते हैं इसका क्या असर आपके भाग्य पर होने वाला है, कौन सा दिन आपके लिए लकी साबित होगा। चलिए इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें मैंने एक एक्सिस पर नीचे लिख दिया है त्योहार का नाम और तारीख, और दूसरी जो एक्सेस है उस पर मैं दिखा रहा हूं कि 5 में से मैंने कितना स्कोर उस तारीख को दिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 10 तारीख यानी धनतेरस के दिन को 4 का स्कोर दिया है। इसके बाद सीधे 15 नवंबर यानी कि भाई दूज के दिन मैंने 4 स्कोर दिया हुआ है। ये 5 में से अंक इन दिनों को प्राप्त है आपके भाग्य की दृष्टि से, यानी कि ये 2 दिन धनतेरस के और भाई दूज के सबसे ज्यादा भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। अगर आप लॉटरी का टिकट खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस या भाई दूज के दिन खरीदें। अगर आप कोई ट्रेडर हैं या फिर कोई व्यापारी हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करता है तो उसके लिए भी धनतेरस और भाई दूज का दिन बहुत लकी साबित होगा मुनाफे की दृष्टि से। इसी प्रकार मेरे कारोबारी भाई बंधुओं को भी सबसे ज्यादा मुनाफा धनतेरस और भाई दूज के दिन होता हुआ नजर आ रहा है। लॉटरी का टिकट या शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी दिनों पर बीच में आप ना करें, ना ही 11, 12, 13, 14 किसी भी तारीख पर आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि भाग्य की दृष्टि से ये अच्छे दिन साबित नहीं होंगे। चलिए अब मेष राशि के जातकों के लिए मैं बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं बता रहा हूं कि वो कौन से लकी नंबर हैं जो आप लॉटरी में लगा सकते हैं, या वो कितने शेयर्स हैं जो आपको खरीदने से ज्यादा मुनाफा होगा, या मेरे कारोबारी भाई बंधुओं को कैसे और अधिक लाभ इस दीपावली के सेल्स के सीजन में हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो लकी नंबर है वो हम निर्धारित करेंगे आपके पंचम भाव के स्वामी से, क्योंकि वही अकस्मात लाभ को दिखाते हैं। मेष राशि के लिए वो जो ग्रह हैं वो है सूर्य देवता।
यानी कि सूर्य देवता से संबंधित नंबरों का अगर आप प्रयोग करते हैं, चाहे वो लॉटरी में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग में हो, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने की जो संभावना है वो और अधिक बढ़ जाएगी। अब सूर्य देवता से जो संबंधित नंबर है वो है एक नंबर, यानी कि जिन भी नंबर्स में अंत में सम जोड़कर, यानी कि सारे अंकों को अगर मैं जोड़ दूं उससे जो सम है वो अंत में एक बन जाए, तो वही नंबर आपके लिए लकी है। जैसे कि एक नंबर खुद से लकी है, 10 नंबर क्योंकि उसमें 10 होता है, तो 1+0=1, तो यानी कि वो भी आपके लिए लकी है। इसी प्रकार अगर मैं 28 नंबर को लूं तो उसमें 2 है और 8 नंबर है, तो 2+8=10, फिर 10 के अंकों को वापस जोड़ना है, 1+0=1, तो यानी कि 28 नंबर भी आपके लिए लकी है। ऐसे ही 37 नंबर भी आपके लिए लकी है, ऐसे ही 46 नंबर भी लकी है, क्यों? 4+6=10 एंड 10 में 1 और 0 होता है, तो 1+0=1, यानी कि ये नंबर भी आपके लिए लकी है। आशा करता हूं आप समझ गए कि नंबर्स का चुनाव कैसे करना है। इन्हीं को आप लॉटरी में लगाइए, इन्हीं को फैंटेसी गेमिंग में यूज कीजिए, इन्हीं इसी नंबर के इतने ही शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, या तो आपको 28 शेयर खरीदने चाहिए, या 37, या फिर 46, या 55, या 64, इतने शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, इससे अधिक लाभ होने की संभावना होगी। अब मेरे व्यापारी भाई बंधुओं के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है बृहस्पति, जो कि नवम भाव के स्वामी है। अगर आप उनको मजबूत करेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। अब बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप उनके बीज मंत्र का जाप कीजिए इस पूरे दीपावली के सीजन के दौरान, निश्चित रूप से आपकी सेल्स जरूर बढ़ेंगी। जो बृहस्पति देवता का बीज मंत्र है बड़ा सरल है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जब आप सुबह दुकान पर जाएं तो उससे पूर्व एक माला इस मंत्र का जप जरूर करके जाइए, निश्चित रूप से बृहस्पति देवता के आशीर्वाद से आपकी सेल्स इस दीपावली के सीजन में जरूर बढ़ जाएंगी। बृहस्पति देवता का जो बीज मंत्र है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर देखिए, मैंने आपको एक लिंक दिया है जहां हमने बृहस्पति देवता के लिए एक यज्ञ किया था और उनके इसी बीज मंत्र का प्रयोग किया था, तो उसका जो उच्चारण है उसे सही से देखने के लिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी तो बहुत काम की जानकारी आपने हमें दे दी है, एक एक दिन का आपने हाल बता दिया है, क्या आप ऐसे ही भविष्य में चलकर भी हमें सभी दिनों का हाल ऐसे ही बताएंगे? तो जी हां भक्त गणों, मैं एक विशेष लकी कैलेंडर सीरीज लेकर आ रहा हूं YouTube पर, और इस लकी कैलेंडर सीरीज में मैं हर एक दिन का हाल ऐसे ही बताऊंगा कि कौन सा दिन किस काम के लिए लकी है। तो आप इस लकी कैलेंडर सीरीज को YouTube के मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, इससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे जब इस लकी कैलेंडर सीरीज में कोई नया वीडियो आएगा। इसी प्रकार आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और इस लिंक को देखकर भी आप जान सकते हैं कि कौन सा दिन कौन सा काम करने के लिए लकी है। लकी कैलेंडर से जुड़ी बाकी की जो जानकारी है वो मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी छोड़ दी है। अब मेरे मेष राशि के जो दर्शक हैं उनको मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। देखिए दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य मंगल और बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं भाग्य की दृष्टि से। अगर आप उनको प्रबल कर लें, मजबूत कर लें, तो हर समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए ये एक विशेष बाजूबंद मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें सूर्य देवता के लिए भी रतन है, इसमें मंगल देवता के लिए भी रतन है, इसमें बृहस्पति देवता के लिए भी रतन है। अगर इस बाजूबंद को आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो भाग्य का साथ है ये प्रबल रूप से हर समय आपको मिलता रहेगा, और आपका जो भाग्य है कभी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि साथ छोड़कर मेरा चला गया है। ये भाग्य का साथ जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है निश्चित रूप से वो सफलता के हर पायदान पर जीवन में चढ़ता चला जाता है। इस बाजूबंद को, विशेष बाजूबंद को आप हमारे शनिपीठ मंदिर से मंगा सकते हैं। 3 दिन की मंत्र पूजा करके ये बाजूबंद मैं आपको तैयार करके दूंगा, और जो भी मेष राशि का जातक इसे श्रद्धा भाव से पहनेगा उसको मुनाफा होने के जो चांसेस हैं वो पूरे 95% से 100% बढ़ जाएंगे।
जय शनिदेव, मेरा नाम कपिल देव है। मैं दिल्ली के दक्षिण पूरी एरिया से आया हूँ। मैं यहाँ गुरु जी से आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। गुरु जी ने मुझे ये बाजूबंद दिया था जिससे मुझे व्यापार में लाभ हुआ है, जिसके कारण मैं गुरु जी के पास दोबारा आया हूँ। अगर आप में से किसी भी मेरे भाई या बहन या मेरे बड़े पिताजी की उम्र के एवं बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग आदमी को या माता जी को किसी को समस्या हो तो वह 16/24 ईस्ट पटेल नगर में आके गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु राज ऋषि जी से स्वयं मिले। आपकी उनके ऊपर कृपा बनेगी, आपकी परेशानियों का हल मिलेगा आपको। जय शनिदेव। ओ oh.